हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। लाइफ का जायका। आज मैं आपको मैंगो से फ्रूटी बनाना सिखाऊंगी। इस गर्मी के मौसम में तो हमें स्लाइस फ्रूटी बहुत पसंद आते हैं। चलिए तो मैंगो जूस बनाते हैं, जिसमें बिल्कुल फ्रूटी जैसा स्वाद होगा। घर में अवेलेबल सामान से मैं आपको आज फ्रूटी बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो मैं अपने चैनल पर हमेशा ही आपको घर में अवेलेबल सामान से ही सारी डिशेज बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मैंगो, शुगर, लेमन। पहले मैंने मैंगो को इस तरह से कट कर लिया है। उसके बाद मैंने इसके सारे छिलके निकाल लिए हैं। उसके बाद मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। किसी भी शेप एंड साइज में इसको कट कर लेंगे, क्योंकि इसे कट करने के बाद हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, इसके सारे छिलके निकल गए हैं। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद इसके सारे पल्प मैंने अलग कर लिए हैं। अब इस पल्प को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। एक फाइन पेस्ट बनाया है, इसका प्यूरी बनाना है हमें। ये देखिए, मैंने मिक्सर ग्राइंडर में सारे पल्प डाल दिए हैं। ये देखिए, हमारा प्यूरी बनके तैयार है। अब इस प्यूरी को हम कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पे मैंने चढ़ाया है। अब इस प्यूरी को उसमें मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे इसे पतला करने के लिए। मुझे 2 आम में मैंने 4 ग्लास पानी डाला है। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसमें और भी पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, इसे पतला कर लेंगे इस तरह से, और पानी का जरूरत हो तो और डालें। उसके बाद मैंने एक लेमन कट किया है। इस लेमन के पूरे जूसेस को मैंने इस मैंगो में डाल दिया है। मैंने भर के 2 चम्मच इसमें, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। फिर इसे अच्छे से चला लिया है। फिर अगर और ज़रूरत पड़े पानी का तो और भी डाल सकते हैं आप इसमें। जैसे फ्रूटी होता है बिल्कुल पतला, उस कंसिस्टेंसी में ही इसे पतला करना है। ये मैंने शुगर लिया है, 1 स्मॉल बोल। ये देखिए, अब इसमें डाल देंगे हम और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये आपको थिक लग रहा है क्योंकि मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा है। इसे पूरे 20 मिनट तक पकाएंगे। अगर आपको इसमें और पानी डालना है तो आप आराम से डाल सकते हैं और भी पानी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब जब ये आपको लगे कि हो चुका है तो अब हम इसे स्ट्रेनर में छान लेंगे इस तरह से। इसलिए मैंने इसे स्ट्रेनर से छाना है क्योंकि इसके सारे रेशे भी आएंगे हमारे मुंह में पीने वक्त, इसलिए इसे छानना बहुत ज़रूरी है। इसके सारे फाइबर्स मुंह में आएंगे। अब ये जब छन चुका है अच्छे से, अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएंगे तो हम इसे सर्विंग ग्लास में सर्व करेंगे। तो देखिए, ये हमारा मैंगो फ्रूटी बनके बिल्कुल तैयार है। तो लग रहा है ना, बिल्कुल बाजार जैसा। आप इसे फ्रीज में भी स्टोर करके पूरे 25 दिन तक रख सकते हैं। तो आप इस लॉकडाउन में इस मैंगो फ्रूटी को जरूर एक बार ट्राई करें। बच्चे तो खुशी से पागल हो जाएंगे इस फ्रूटी को पी के। लॉकडाउन में बच्चों को बिल्कुल बाहर ना जाने दें और घर में ही बनाएं मैंगो फ्रूटी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में दबाएं बेल आइकन। मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपके लिए इसी तरह से मैं नई नई रेसिपी लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।